नमस्कार मित्रों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बेसिक संस्कृत की हम बात करें तो वहां पर हमें बहुत सारे जो बेसिक चीजें हैं उनकी नॉलेज जरूरी है, जैसे कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं, कितने वचन होते हैं या लिंग कौन कौन से होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं इनका हमें बेसिक ज्ञान जरूरी है। तो यहाँ आज हम वीडियो में बात करेंगे पुरुषों के विषय में कि पुरुष संस्कृत में कितने होते हैं और कौन सा सर्वनाम या संज्ञा शब्द किस पुरुष के अंतर्गत आता है। तो मित्रों, काफी खास वीडियो होने वाला है क्योंकि बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको ये परेशानी आती है कि वो सही पुरुष की पहचान नहीं कर पाते हैं कि इसमें सही पुरुष कौन सा है। तो मित्रों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो करते हैं प्रारंभ। पुरुष की बात करें तो संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं। संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? तीन। एक होता है आपके प्रथम पुरुष, जिसे हम अन्य पुरुष भी बोलते हैं। दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आप सब जानते हैं कि संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो देखिए, हमको मेनली मतलब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत जहां आती है कि हम ये पता नहीं सकते कि इसमें कौन सा पुरुष है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि ये पूछा जाए कि सह जो सर्वनाम है वो किस पुरुष का है। तो यहाँ पर जो जिनके पास संस्कृत है वो बता सकते हैं, लेकिन जो जैसे रीट में बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उनके पास संस्कृत बिल्कुल नहीं रही है, तो उनको समस्या आती है कि इसमें कौन सा पुरुष है। तो देखिए, इन सर्वनामों को सही तरह से पता करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल आसान सी है, इसको आप फॉलो कीजिएगा, आप सभी सर्वनामों को बता पाएंगे कि ये सर्वनाम किस पुरुष का है या ये संज्ञा शब्द किस पुरुष का है। तो देखिए मित्रों, ट्रिक है कि यहां समझिए तीन पुरुष हैं, ये तीन पुरुष हैं यानी तीन व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति ये हैं और ये कोई तीसरा व्यक्ति है, ठीक है। ये दोनों व्यक्ति बात कर रहे हैं और ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो है ये बोलने वाला है, समझिएगा इसको, ये सुनने वाला है और ये जो तीसरा व्यक्ति है ये कोई अन्य व्यक्ति है यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सुनिएगा, ये जो बोलने वाला है हमेशा खुद को क्या कहेगा? उत्तम, ठीक है। बोलने वाला हमेशा खुद की प्रशंसा करता है, खुद को उत्तम बताता है, तो बोलने वाला क्या होता है? उत्तम। ये सुनने वाला है तो सुनने वाला केवल मीडिएटर हो गया, क्योंकि ये जो बोलने वाला है इसके बारे में बात कर रहा है, तो ये जो है ये केवल मीडिएटर हो गया। मीडिएटर मतलब माध्यम हो गया, यानी मध्यम। ये क्या हो गया? मध्यम। और ये जो अन्य है, अन्य ये तीसरा जो व्यक्ति है ये हो जाएगा प्रथम, क्योंकि बातें इसके बारे में हो रही है, ठीक है। अब ये तो एक तरीका हुआ समझाने का, और ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम, ठीक है। इसको याद रखना आपको, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम, अर्थात मैं यानी खुद के से संबंधित जो भी सर्वनाम शब्द आएंगे सभी उत्तम पुरुष में होंगे। जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, हम सब, ये जितने भी सर्वनाम शब्द हैं सभी आएंगे उत्तम पुरुष में, ठीक है। तुम मध्यम, तुम यानी तुम, तुम्हारा, तुम दोनों, तुम सब, ये जो है ये किस में आते हैं? मध्यम पुरुष में। और इसके अलावा बाकी सब प्रथम, यानी मैं और तुम, इनके अलावा बाकी चाहे कुछ भी हो वो सब किस में आते हैं? प्रथम में। तो अब देखिए मित्रों कि वह, उसका, या फिर वे दोनों, वे सब, ये चीजें, या फिर कोई नाम हो, राम, नदी, सीता, गीता, ये जो भी नाम है ये सभी किस में आएंगे? प्रथम पुरुष में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं उत्तम, तुम मध्यम और बाकी सब यानी शेष जो है वो क्या आएंगे? प्रथम। ये ध्यान रखना है, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। तो इस तरह से हम सर्वनाम शब्दों को बड़े आसानी से समझ सकेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम शब्द या कोई भी शब्द जो है वो किस पुरुष का है, इसकी पहचान कैसे करें। तो आप ये समझ गए होंगे कि मैं उत्तम, तुम मध्यम और बाकी सब प्रथम।
ठीक है मित्रों, फिर मिलेंगे ऐसी नॉलेज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।